ब्रह्मोस मिसाइल की नाक पर ये कैप क्यों लगाया जाता है? ताकि मिसाइल की रैमजेट कोर को कोई भी नुकसान ना हो और इसमें पानी भी ना जाए। मार्क 3 प्लस का मतलब क्या है? मैक नंबर का मतलब होता है किसी वस्तु की रफ्तार का ध्वनि की रफ्तार से तुलना, और मैक 3 प्लस का अर्थ है ध्वनि की रफ्तार से हवा में 3 गुना तेज गति से चलना, और मैक 1 को हम ध्वनि की रफ्तार मानते हैं। अब बात करते हैं इसमें लगे गाइडेंस सिस्टम की, यानी अपने निशाने के हिलने डुलने के समय यह अपनी दिशा कैसे बदलती है। ब्रह्मोस की नाक के पीछे एक सीकर लगाया जाता है। इसका काम अपने टारगेट को ढूंढ कर उसकी सही लोकेशन का पता लगाना होता है। इस सीकर में थर्मल इमेजिंग, इंफ्रारेड इमेजिंग और प्लेटफॉर्म स्टेबिलाईजेशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मतलब टारगेट चाहे रुका हुआ हो या चल रहा हो, छुपा हुआ हो या उजागर हो, एक बार लॉक हुआ तो बचेगा नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल के सीकर के पीछे लगा होता है एक कंट्रोल सिस्टम, जो सीकर के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर मिसाइल को सही रास्ते पर रखता है। अच्छा, और अगर रास्ता बदलना पड़े तो, या बीच में कोई बाधा आ जाए तो? यही तो कमाल है इस मिसाइल का। इस मिसाइल में लगा कंप्यूटर तुरंत